दलित विमर्श की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने रामचंद्र पासवान जी, जो एक सामान्य पृष्ठभूमि के परिवार के थे। माने रामविलास पासवान जी के भाई हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि आम लोगों के बीच सर्वसुलभ और लोकप्रिय थे। उनका अल्पायु में निधन होना और जिस ढंग से जनसैलाब उमड़ा है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी लोकप्रियता समाज के तमाम तबकों में स्वीकारिता थी। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए एक संसदीय जीवन में महत्वपूर्ण क्षति, सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत बड़ा ही सदमा यह है। और माने रामचंद्र पासवान जी की आत्मा को शांति मिले, ये आकांक्षा और अपेक्षा पूरे देशवासियों की। निश्चित रूप से जो समाज के निचले पायदान पर लोग थे, उनके लिए संघर्षरत रहे पूरे आजीवन और लंबे समय तक, न सिर्फ रामविलास पासवान के भाई के रूप में बल्कि एक स्थापित दलित नेता के रूप में इस प्रदेश में उन्होंने कार्य किया। निश्चित रूप से कम उम्र में असामयिक निधन से पूरी तरह से जो पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, जिसकी आवाज़ उठाते रहे थे, उनके लिए और हम लोग सब के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। सरल व्यक्ति और इतने स्वभाव के धनी थे कि हर व्यक्ति के चाहता थे। आज समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार और देश को एक दलित नेता के रूप में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर क्षति है। महादलित थे, प्रिय नेता थे, बीच नहीं रहे। ये कहें पूरे परिवार को भगवान सहने की शक्ति दे।